आज हमारे साथ मेयर ऑफ कराची वसीम अख्तर साहब मौजूद है। सर, सबसे पहली बात सर, माशाल्लाह सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली, पाकिस्तान की सियासत में आपका अहम किरदार है। अगर किसी डैम को बनना है तो कोई गवर्नमेंट आए और वो डैम बना दे। राइट नाउ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कराची के पास है सर, क्या मुस्तकबिल में करीब है कि कराची में कुछ मेगा प्रोजेक्ट आईटी के मुतालिक होने जा रहे हैं? खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो कि डॉक्टर भी हैं, वो इस मिनिस्ट्री को देख रहे हैं। सर, इतना तवील अरसा सर, चैलेंजेस, मुश्किलात, चंद लोग ही इस पॉलिटिक्स में जाते हैं और ख़ासतौर पर हमारी मुल्क की पॉलिटिक्स बड़ी डिफ़िकल्ट है। सर, कोई ख़ास मोटिवेशन, कोई ऐसा शख्स? आप जब लोगों के मसाइल देखते हैं, अगर अहमद फराज की बात में, अगर वसीम अख्तर साहब की बात को क्या जाए तो शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की क्षमा जलाते थे। और बाकी दुनिया के मेट्रोपॉलिटन शहर की तरह यहाँ तालीम और ट्रांसपोर्ट का निज़ाम चल सकता है। विल हो तो कराची जैसे शहर में हर चीज़ हो सकती है। वॉट इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग इन कराची फ्रॉम योर साइड एज आफ्टर PSL? माई प्रायोरिटीज आर बट अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट डू एनी थिंग ऑन दैट। जहाँ यहाँ IT की आला तालीम याफ्ता हासिल कर रहे सर, उसके साथ साथ बहुत से सोशल एक्टिविस्ट और सिविक ऑनरशिप पे वो हर कदम पे आगे आ गए। आपको खुद आगे आना होगा, एक पौधा लगाना होगा अपने हिस्से का। एज अ पॉलिटिशियन आपके ऊपर जो तंकीद होती है, ठीक है, तो और अगर आप उसके जिम्मेदार भी ना हो तो आप कैसा महसूस करते हैं, आप किस तरह से फील करते हैं? अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है ऐसी चीज पे जिस पे मैं खुद भी समझता हूँ हाँ यार जो कह रहा है बात तो सही कर रहा है, इज़ राइट, मैंने निगलेक्ट किया है या मेरी गलती है ये नहीं किया मैंने, उसको तो आप बर्दाश्त कर लोगे, मगर ऐसा क्रिटिसिज्म भी आता है कि ये मैंने किया है भाई। आपकी शख्सियत में गुस्से का आंसर काफ़ी नुमाया है। आप लियाकताबाद में लोगों को देखो, सबके माथों पर बल पड़े हुए ना, आना जाना सर, फिर जेल की ज़िंदगी पर इतनी मुश्किल। एज अ मेयर मैं जेल गया वापस। अगर आपकी नीयत ठीक हो और आप कोई चीज़ करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ वो होती है। आप जो अभी प्लांटेशन की कैंपेन की बात कर रहे हैं तो क्या हमें उसमें कोई एक प्लेस अलॉट हो सकती है? कोई पार्क देख लें आसपास, उसमें हम चले जाते हैं और वो मख्तस कर देते हैं अरीना के लिए। मेरे पेज पे आके ज्वाइन करें और उस पर कॉमेंट करें। सर, थैंक यू सो मच। आज अरीना मल्टीमीडिया के लिए बड़ा ऑनरेबल डे रहा क्योंकि आज ऑनरेबल मेयर साहब मिस्टर वसीम अख्तर साहब ने हमें विजिट किया। आई रियली वांट टू थैंक मिस्टर वसीम अख्तर।